दिखा दो मुझे आज चॉकलेट दे दा। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है लॉटी चॉको पाई का बॉक्स और एक ये रियल जो जय श्री राम। और फिर क्या हाल चाल है आप सभी का? मैं बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, हालत हो गई है खराब बिल्कुल काम कर करके। अभी सर पूरा घर साफ किया, ये रूम और रूम भी चमका दिया, पूरा चमका दिया। और अभी यहाँ पे भी साफ सफाई करनी है। और अभी सुमित से मैंने खाना भी नहीं बनाया था, सुमित से चाउमिन मंगाई है, सुमित चाउमिन लेके आया है, सो वो खाएंगे। और गाइस, जो बंदे कहते हैं कि मम्मी क्या काम करती है घर पे, तो एक बार पूरा काम करके देखो घर का, तभी आपको पता चलेगा कि क्या पूरे दिन कितनी मेहनत लगती है घर का काम करने में। अभी 2 बज गए हैं, 2:15, और मॉर्निंग से लगा हूँ मैं बर्तन वगैरह धोने में और झाड़ू वाड़ू लगाने में, तो अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब बस अभी गैलरी का लगा, झाड़ू लगाना बाकी है। सब थोड़ा खाते हैं, चाउमिन वगैरह, रेस्ट करते हैं थोड़ा, थका यार। बनाऊंगा थोड़ी देर में खाना, अब तो चाउमिन खा लूँगा, फिर खाने का मन नहीं करेगा, शाम में बनाएंगे। तो वही चाउमिन के लिए हमने अमित को भी बुलाया था, लेकिन अमित कह रहा चाउमिन में खाता ही नहीं, इसको एग रोल खाना था, लेकिन अभी एग रोल मिला नहीं। थोड़ा सा खा ले, मैं खाते ही नहीं चाहिए। अबे टेस्ट करके देख, इसके अच्छे होते हैं, खा रखो। बिल्ला हलवाई के हैं। तूने खाएगा फिर इतनी सारी चाउमीन? फिर सुबह सुबह टाइम हो गया है 6:15, और मॉर्निंग से मैंने बस चाउमीन खाया, उसके बाद कुछ भूख ही नहीं लगी। चाउमीन इतना हैवी हो गया था गाइस, मॉर्निंग में सबसे पहले चाउमीन ही खा लिया, गलत किया है मैंने, गलत तो किया। अभी एक और गलत काम करने जा रहा हूँ, घर पे कोई नहीं है ना बोलने वाला, तो अभी जा रहा हूँ मोमोज खाने। तो गाइस मोमोज खा के आते हैं, मन कर रहा था यार सेक्टर 12 के मोमोज खाने का। तो चलते हैं बाइक, बाइक को लेते हैं, जैकेट डाले ठंड है इसलिए, और सेक्टर 12 के मोमोज खा के आते हैं। तो गाइस पहुँच चुका हूँ जायका किंग, पीछे जायका किंग, कुछ खाते हैं मोमोज वगैरह। फेमस मार्केट ऑफ सेक्टर 12 और फेमस शॉप जायका किंग। तो गाइस घर पहुंच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7:40, और एक चीज़ दिखा दो मुझे, आज चॉकलेट दे था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है लॉटी चॉको पाई का बॉक्स और एक ये रियल जूस। सो देख लो गाइस, जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड ही कुछ गिफ्ट दे, दोस्त भी देते हैं, बस दोस्त अच्छे होने चाहिए। और मैंने भी उसको 5 स्टार दिया, 1/10 वाला। सो अभी देखते हैं खाने का क्या सीन है, आज खाना क्या बनाए, विक्की भी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ विक्की आए उसके बाद में साथ में ही बनाए खाना, शीशे में सब देखता है मैं कैसे बनाऊंगा। आज तो चॉकलेट ही चॉकलेट है हमारे पास, क्या आता है, अकेले खाएंगे। सो गाइस विक्की का हो गया है प्लान ड्रॉप आउट कह रहा था पहले। सो अभी हम काटते हैं प्याज, दो प्याज इनफ। अपने लिए बनाते हैं आलू की सब्जी, लेते हैं लहसुन प्याज, काटना स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाते हैं। मैं वेट कर रहा था कि विक्की आएगा फिर बनाएंगे, लेकिन विक्की ने कह रहा है कि भाई कल आ जाऊंगा, आज नहीं आ पाऊंगा। सो कोई नहीं, खुद ही बना लेते हैं और फिर खाते हैं। वैसे भूख तो लगी नहीं है, देखते हैं 10 बजे तक भूख लग जाएगी, खा लेंगे। बाहर का खाना खा खा के यार, काटते हैं सब्जी वगैरह। सो गाइस प्याज काटते हैं, थोड़ा रो लेते हैं प्याज काटने के बाद। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे खाना बनाने में ये प्याज वगैरह काटना, बाकी खाना बनाना बहुत आसान है गाइस, चलते रहने ये चीज़ें अपने आप पकते रहते हैं, लेकिन प्याज वगैरह काटने में। चलो कोई नहीं गाइस, हल्का सा कटा है,
का आधा प्याज नहीं कटा और आंखों में से देखो उनको चश्मा लग रखा होता है, आंखें खराब होती है, उनको आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। देखना और अभी तो आधा ही प्याज कटा है, आप लोग ये दर्द भरा सीन नहीं देख पाओगे, तो काट के मिलता हूँ आप लोगों से। गैस प्याज, टमाटर, अदरक, वो लहसुन, मिर्च और ये धनिया पत्ते ऊपर से डालने के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं। अब तो गैस तेज गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं खड़े मसाले। ले तेल तो गर्मी में नहीं हुआ था, आप लोगों ने पागल लो तो ये क्या ही फायदा, डाल देते हैं। डालेंगे प्याज, अब जाकर हुआ है तेल गर्म, अच्छे से सूखे मसाले भून चुके हैं, तो इसमें डालने का टाइम आ गया है। क्या प्याज सब्जी थोड़ी ज़्यादा बनाऊंगा, कल सुबह के लिए भी हो गया। तो वह हमारे प्याज भुन चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो वह हमारा मसाला रेडी हो चुका है, मतलब अभी और भुनेगा तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, मिर्च, मिर्च तो ख़त्म है, उस अंदर से बुलाना पड़ेगा, मिर्च लेके आता हूँ पहले। तो बस ले आया हूँ मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालते हैं इसमें। तो बस अब इसमें हमने हल्का सा पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें असली कलर आएगा। जी बात, गाइस खाना तो बन चुका है, खाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर टीवी देखते हैं। अकेला रहना भी कितना टफ है गाइस, अब समझ में आता है। जो बंदे बैचलर रहते होंगे कैसी लाइफ होगी, ऐसी लाइफ होगी जैसी अभी है मेरी, अकेले बनाना, अकेले खाना, अकेले रहना, कोई बात करने के लिए भी नहीं है। दोस्त वगैरह भी आते हैं, आधे घंटे बैठते हुए चले जाते हैं। सैड लाइफ। सो गाइस खाना पीना तो खा लिया था और विक्की आया नहीं आज, तो मैंने सुमित को बुला लिया सोने के लिए, क्योंकि रात में अकेले सोने में अजीब सा लगता है, तो बुला लिया। और टाइम हो रहे हैं 12 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है 12 बजने में, सो हम सोते हैं। इस वीडियो को करता हूँ ये बैंड, होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।